अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका द ह्यूमैनिटी चैनल पर। दोस्तों, सीबीआई की एक विशेष कोर्ट कल ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने का इल्ज़ाम जिन लोगों पर लगा था उन पर 28 साल पुराना केस चल रहा था। 28 साल के बाद 30 सितंबर को यानी कल के दिन ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, जिसके बाद से कई नेताओं की नींद उड़ गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि 28 साल पुराना जो केस चल रहा था उस पर कल सीबीआई की कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। कुछ खास लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में पूरा प्लान किया था और उन पर केस चल रहा था, इसलिए कल सीबीआई की कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। और मुसलमानों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इनके खिलाफ ही फैसला होगा, क्योंकि कानून भी इन्हीं का है। जो मेन लोग थे बाबरी मस्जिद को गिराने में वो तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, अंधभक्त उनको अपना हीरो मानते हैं और मोदी अमित शाह को अपना भगवान मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा या नहीं? और अभी पिछले दिनों कुछ बयान आए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से, जैसे उमा भारती जो कि अभी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अभी कोरोना से जंग लड़ रही है, उन्होंने कहा था कि कोर्ट हमारे लिए भगवान है, उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, और अगर हमें फांसी भी होती है या हमें उम्र कैद की सज़ा भी दी जाती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों कह रही हैं कि हमें फांसी भी होती है या उम्र कैद की सज़ा भी होती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है? तो ये ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि इनको पहले से सब पता है कि कुछ नहीं होना है, सारा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, इसलिए ये ऐसा बोल रही हैं क्योंकि इनको पहले से ही सब मालूम है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।